प्याज की जमाखोरी पर इंदौर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। प्याज की लगातार बढ़ती कीमतों के बाद जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए अधिकारियों ने गुरुवार को कोल्ड स्टोरेज पर कार्रवाई की। इस दौरान कोल्ड स्टोरेज में प्रशासन के अधिकारियों को अधिक मात्रा में जमा प्याज भी मिला। प्याज की जमाखोरी रोकने के लिए कार्रवाई, कोल्ड स्टोरेज पर जिला प्रशासन का छापा। कोल्ड स्टोरेज में मिला कई क्विंटल प्याज, अधिकारियों ने खंगाले कागजात। देश भर में बढ़ रही प्याज की कीमतों के बाद प्याज की जमाखोरी की जांच करने के लिए गुरुवार को जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। प्याज की चेकिंग के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी अलग अलग कोल्ड स्टोरेज पहुंचे। एसडीएम डी के नागेंद्र इस दौरान धार रोड स्थित उमिया कोल्ड स्टोरेज पहुंचे, जहां 2700 क्विंटल प्याज मिला। कार्रवाई करने पहुंचे अधिकारी ने इस दौरान कोल्ड स्टोरेज के कागजात भी चेक किए, साथ ही प्याज की सप्लाई को लेकर भी उन्होंने कोल्ड स्टोरेज संचालकों को निर्देश दिए। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जिला प्रशासन की 5 टीम बनी है। पूरे जिले में जितने भी कोल्ड स्टोरेज है वहां पे जो रखी प्याज है उसकी एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करना है कि स्टॉक में कितना प्याज रखा हुआ है और पर डे जो माल जो है बाजार में कितना जा रहा है। टीम में जो है हमारे साथ में एग्रीकल्चर के, हॉर्टिकल्चर के, मंडी के मेंबर्स भी हैं और यहाँ पर वेयर हाउस में हम लोग इनके एक तो रजिस्ट्रेशन का, लाइसेंस की जांच कर रहे हैं और मौके पे कितना प्याज रखा हुआ है और प्याज की जो फ्लुएंसी है, जो भेजने बाजार में भेजने की पर डे जो है क्या रेट्स है। वर्तमान में उमिया वेयर हाउस में अभी लगभग 2500 के आसपास प्याज रखी हुई है, तो हमने इनको निर्देशित किया है कि प्रति दिवस जिला प्रशासन को बताएं कि कितना प्याज जो है बाजार को भेज रहे हैं। तो एक रजिस्टर संधारण के लिए भी इनको निर्देश दिया है और प्रति दिवस कलेक्टर कार्यालय में रिपोर्ट देने के लिए भी इनको निर्देशित किया है। एसडीएम इस दौरान हातोद स्थित बागवाला कोल्ड स्टोरेज भी पहुंचे, जहां अधिकारियों को सिर्फ आलू ही मिला। इस तरह जिले के दूसरे कोल्ड स्टोरेज में भी प्रशासन द्वारा चेकिंग की गई। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में भी नियमित रूप से इस तरह कोल्ड स्टोरेज की चेकिंग होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।